अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। इस वक्त फिर आप सोच रहे होंगे कि रिक्शे में बैठे हुए हैं किधर जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, बारिश को लगी हुई है आज, फिर उल्टियाँ और मोशन उठा है, तो उसने से पहले ही लेटे लेटे इसको सुबह उठाते बस इसको मोशन और साथ में की शुरू हो गई है। एक दफ़ा गई थी रूट लेके पहले इधर क्लिनिक पे, दवाई लेके आई है वो दी है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, उल्टी भी हो रही है अभी और मोशन। तो अभी भी एक दो के पास हम रुक के जा रहे हैं, आज के दादा के साथ उसने जब जा रहे हैं अभी इसकी दवाई लेके आते हैं, फिर आते हैं मिलते हैं इंशाल्लाह क्लिनिक जाके। इधर आ गए क्लिनिक पे, अबू की गोद में क्लिनिक पे बैठे अंदर मरीज है, जा रहे हैं इधर दरवाजा जो है दस्तक दे रहा है, हल्की हल्की खटकाट कर रहा है, और डॉक्टर साहब अंदर गए हैं दवाई बनाने के लिए, दवाई देंगे भी, तो हम इंतजार कर रहे हैं। ये वाली जो है ना ख़त्म होने तक देनी ताकि इसका मैदा शक्ल नहीं, ये इसको पीस पीस करके 15 से 20 करके ये ख़त्म होने तक देनी, इसको नहीं दवाई लेके हम वापस चल पड़े घर की तरफ। दवाई हमने ले ली है और इसको एक खुराक दे भी दी है, मीठी गोलियाँ थी इसको, इससे ना आराम आ जाता है, साथ ही इसके खिलानी बड़ी आसान होती है, वो दूसरी दवाई खिलानी इसको मुश्किल होती है, इसलिए फिर ये दवाई लेते हैं ना, आराम भी इसको आ जाता है माशाल्लाह। तो चलिए दवाई हमने ले ली है, रोज जाने आप आ लो तो पता नहीं, ये टाइम नोट कर लेना कि ये छोने लगा है जी। आरिश के दादा को बुलवाऊंगी पेट्रोल और अब पेट्रोल डाल दिया, हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं, इधर आरिश हो जा रहा है मेरी गोद में लेता हुआ है, आरिश से लेता हुआ है, लेते रहो लेते छो दो, पेट्रोल डलवा लिया इन्होंने, पैसे शैसे दे के निकल आए हैं, चले अब घर की तरफ करवाना। जी हम घर पहुँच गए, उठाएंगे आरिश को, जा गया आरिश घर और इसको देने लगे हैं कतरे। ठीक है जी, आरिश को आके दवाई दी है जी, दवाई वो पी के सो गया था, सो के 2-3 घंटे सो के उठाया, पी तकरीबन ये सोया था कितने बजे, 3-3.5 बजे सोया था और अभी 6:30 बजे उठाया, अभी उठाया, तो अभी इसको दोबारा दवाई देनी है, तो अभी वो मामा के पास है, उसने काफ़ी बाद में पहले से गंद शंद फैलाया हुआ था और मामा ने भी खूब धोलाई फिर की है, बेडशीट की सफाई शफाई की है, सारी बेडशीट की बेडशीटें उतारी, कवर बेड का उतारा गद्दे का, और क्योंकि उसके मोशन बहुत ज़्यादा थे तो पैम्पर भी काम नहीं कर रहा था उसका, तो इसलिए सारा कुछ उसको सुला के उसने धोया है, बेड का जो गद्दे का कवर बेडशीट वगैरह हर चीज़ धोई है, साफ सुथ गई है, फिर वो सोया रहा पी उठा है, अभी फिर वो माँ की गोद में है, और इधर मैं करने लगी थी सालन का कुछ, तो ये मंगवाई है मैंने आलू, आज फिर मैंने कहा चलो आलू ही मैं छील के तो भुजिया आलू की भुजिया बना लेते हैं, लंबे चौड़े को छोड़े जो खिचड़ी बनी हुई है उधर उसने बनाई थी अरूज ने, खिचड़ी कहती है मैं खुद भी खिचड़ी खाऊँगी और आरिश भी खिचड़ी खाएगा, आरिश को क्या खिचड़ी है बस उसको थोड़ा सा परहेजी देंगे क्योंकि बिल्कुल फीकी बनाई है उसने खिचड़ी, वो बाकी है कि चलो हम आलू बना लेते हैं अभी आज के लिए, हम 3-4 बंदे तो फिर आलू खा लेंगे, आलू भून लेते हैं। चले जी मैं आलू साफ़ करती हूँ, फिर मिलते हैं आके।
अच्छा अच्छा इधर मैं आई थी शनाज भाभी के घर, तो इधर बैठी भी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी इधर वीडियो बना लेते हैं इनके कमरे की भी। ये मैं इधर आई हूँ साथ, ये जी मैं इधर आई भी हूँ इधर। ये इनके घर बैठी हुई थी, कोई काम था तो आई थी, तो अभी चले चलते हैं थोड़ी देर में, अब घर चलते हैं क्योंकि मेरे काम का जो मसला था वो मैंने हल कर दिया है, हल हो गया है, तो अभी चलते हैं घर थोड़ी देर में। मैंने कहा चलो इधर बैठ के वीडियो बना लेते हैं थोड़ी सी। इधर हो गया जी हमारा सालन भी तैयार, ये हो गया आलू, और इधर हुआ वह जी दूध बॉयल, और रोटियां भी पक गई हैं सारी, रोटियां तैयार हो गई हैं ये जी, रोटियाँ तैयार हो गई हैं। अब लगता है खाना, तो खाते हैं खाना। ये इधर बनी हुई है खिचड़ी, जो अभी खाते हैं खाना। और इधर चल रहा है जी ड्रामा, अभी ड्रामा भी साथ साथ देख रहे हैं। देखो जी इधर बैठा हुआ है अरसलान, ये खेल रहा है जी गेम, नहीं गेम नहीं खेल रहा जी, बात कर रहा है मेरे ख्याल में। और बाकी आरिश के खिलौने भी देखे सारे बिखरे पड़े हुए हैं, टोकरी में डाले हुए थे, टोकरी में से निकले हुए इधर उधर पड़े हुए हैं। और आरिश देखो ये शूज़ पहन के इधर आ गया, और इसको थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई है, सुबह इसकी तबीयत ख़राब थी, अब थोड़ी सी बेहतर हुई है, पर लगे हुए हैं अभी इसको मोशन, अभी मोशनों का फुल आराम नहीं आया इसको। और अबू के शूज़ पहन लिए इसने। चले जी इधर लग गया जी खाना, और अभी हम खाना खाने लगे हैं जी। और आरिश के दादा अबू को भी बुलाते हैं, अभी भी मोटर चलाई है उन्होंने पानी चढ़ाने के लिए, मोटर के लिए भी थोड़ा सा काम कर रहे थे। और इधर जी आरिश किधर बैठ चला गया है, चलो फिर खाना खाते हैं। और अरसलान भी उधर बैठा है, अरसलान आ जाओ, चलो आ जाओ। और चलें जी अभी खाते हैं खाना। ये जी अरसलान वुज़ू कर रहा है और नमाज की तैयारी कर रहा है। और इधर हमने खाना अल्हम्दुलिल्लाह साहब ने खा पी लिया है, खाना खा के तारीख हो गई है। और आयश चला गया है बाहर दादा अबू के साथ, इधर कहीं बाहर निकला हुआ है, और नज़र नहीं आते कहीं बाहर ही नहीं। और इधर सलाम है, चले फिर ये कि इस वीडियो का करते हैं इधर ही एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। और आपसे चाहिए मैं इजाज़त, जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ठीक है जी, दुआओं में याद रखना और अपना ख्याल रखना। ठीक है जी, ओके हाफिज़। ये जी आलिश हमारा आ रहा है अंदर, किधर गया था, दादा अबू के पास गया था। क्या करूँ, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, ये मुझे कह रहा है कि नीचे आओ। अच्छा देखे मुझे पकड़ के नीचे लेके आ गया। गोली खा लो, चलो मामा गोलियां दे रही हैं, दवाई दे रही हैं, दवाई खा लो, दवाई खा लो, खा लो, खा लो, खा लो। गुड, एक रह गई है, एक और। चलो जी, और ये रक्षे ठीक हो रहा है जी। क्या क्या किधर है, क्या किधर? अच्छा बाइक का कह रहा है, ये बाइक बाइक जने खड़े इतने हो गए, कोई उधर नहीं जाना। चलो आ जाओ, आ जाओ, आगे फैसी भैया पता है ना जल गए थे, चलो आगे फैसी भैया जल गए थे, उनका पाँव जल गया था, तब शुक्र है बेहतर हुआ है, उसका पाँव काफ़ी जला हुआ था, काफ़ी शुक्र है बेहतर हो गया। चलें जी,